Now, next sum is, next question is, question number 13. Each card bear one letter from the word mathematics. The cards are placed on a table upside down. Find the probability that a card drawn bears the letter M. क्या हुआ देखो, ईच कार्ड, कुछ कार्ड्स है जिसके ऊपर मैथमेटिक्स जो स्पेलिंग है, मैथमेटिक्स जो स्पेलिंग है उसके जो अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट्स कार्ड के ऊपर लिखे हुए हैं. ओके, हर एक कार्ड के ऊपर एक अल्फ़ाबेट लिखा है और टेबल के ऊपर ऐसे रखे. तो हमारा इवेंट है कि उसमें से कार्ड निकालना है जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट होगा एम. क्या अल्फ़ाबेट होगा? एम होगा, राइट. सो एस इज इक्वल टू एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, मैथमेटिक्स का पूरा स्पेलिंग लिखा और बीच में हर अल्फाबेट के बीच में क्या लिया है? कॉमा डाला है. सो ये एलिमेंट्स इसके क्या ये पॉइंट है, सैम्पल पॉइंट है. कितने सैम्पल पॉइंट? 11. कितने सैम्पल पॉइंट है? 11. इवेंट ए इज अ कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर एम. एक कार्ड जो हम लोग उठाएंगे उस कार्ड के ऊपर कौन सा अल्फाबेट चाहिए? एम चाहिए. कौन सा अल्फाबेट चाहिए? एम. सो लेट ए इज इक्वल टू एम एम. टू टाइम है ना, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है. तो एम दो बार आ सकता है, दो कार्ड के ऊपर क्या आ सकता है? एम आ सकता है. सो इवेंट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट? टू. नंबर ऑफ ए मतलब जो इवेंट है उस इवेंट के आउटकम्स क्या आएंगे? टू. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज टू अपॉन 11. क्या आएगा? 2 upon 11. ओके, उसके बाद सम नंबर 14. सम नंबर 14 इज आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, क्लास में कितने बच्चे? 200 बच्चे. 135 लाइक कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक द गेम. 135 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको कबड्डी अच्छा लगता है और बाकी जो है बाकी लोगों को कबड्डी या गेम अच्छा नहीं लगता. इफ़ वन स्टूडेंट इज सिलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्ट डज नॉट लाइक कबड्डी. ओके, क्वेश्चन समझ में आया? टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 200. उसमें से 135 स्टूडेंट्स को क्या है? कबड्डी, ये गेम जो है ये गेम अच्छा लगता है और बाकी जो बच्चे बाकी बच्चों को कबड्डी अच्छी नहीं लगती, दे डज नॉट लाइक गेम. ओके, तो अगर 200 बच्चों में से हम क्या करेंगे, एक बच्चों को उठाएंगे, एक बच्चों को उठाएंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रहेगा कि उस बच्चे को कबड्डी गेम अच्छा नहीं लगता होगा. उस बच्चे को कबड्डी गेम अच्छा नहीं लगता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200. पहले हम लोग को वो बच्चे निकालने पड़ेंगे कि जिनको कबड्डी गेम अच्छा नहीं लगता, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 200. नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी आर 135. 135 स्टूडेंट्स को क्या लगता है? कबड्डी अच्छा लगता है, कबड्डी खेलना उनको अच्छा लगता है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डज नॉट लाइक कबड्डी कैसे निकालोगे? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट डज नॉट लाइक कबड्डी आर टोटल में से जिनको कबड्डी अच्छी लगती है उसको माइनस करेंगे. सिंपल, टोटल में से जिन बच्चों को कबड्डी गेम अच्छा लगता है उनको अलग कर दिया. रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर 65. रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर 65. ये हो गया. अब देखो मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 200. वाई? बिकॉज देयर आर 200 स्टूडेंट्स. क्लास में कितने बच्चे? 200 स्टूडेंट्स है और इसीलिए क्या होता है, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट? 200. लेट इवेंट ए, लेट इवेंट ए बी द स्टूडेंट्स डज नॉट लाइक कबड्डी. ए ऐसे एक इवेंट है जिसमें हम लोग ये बताएं कि बच्चे को कबड्डी गेम अच्छा नहीं लगता. ओके, सो कितने हैं? 65 हम लोग ने ऊपर निकाले हैं. तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 65. नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 65 upon 200. क्या आएगा? 65 upon 200. 13 5 = 65, 45 = 200. 5 से यहाँ पे डिवाइड किया, देन फाइनल आंसर इज 13/40. क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 13/40. अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड, राइट डाउन.